शांति, आज मैं अपना अनुभव सुनाने वाली हूँ। मेरा नाम वृंदा है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। पता है, मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो बाबा को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, जिससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। बाद में मैं नहा धो के मुरली सुनती हूँ, जिससे मेरे सारे प्रश्नों का हल मिल जाता है। हमारे घर में रोज भोग लगता है, और जब मैं भोग लगा हुआ खाना खाती हूँ ना, तो मेरे में एनर्जी आ जाती है। और पता है, जब मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो बाबा को बोलती हूँ, बाबा मेरे साथ रहना और पढ़ाई में मेरी मदद करना, तो मेरे स्कूल में भी मुझे अच्छे से पढ़ाई होती है। स्कूल में मुझे डांस, स्पीच, स्टोरी बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं किसी कार्य की शुरुआत करने जाती हूँ ना, तो बाबा से कहती हूँ, बाबा इस कार्य में मेरे साथ रहना और मुझे सफलता दिलवाना, तो मेरा कार्य बहुत अच्छा जाता है और सब जगह से मेरी वाह वाह होती है। जब मैं स्कूल से घर आती हूँ, तो बाबा से दृष्टि लेती हूँ, बाबा से बातें करती हूँ, और मैं अपनी हर चीज़ व्यवस्थित रखती हूँ। और मैं जब खेलने जाती हूँ ना, तो बाबा को भी अपने साथ ले चलती हूँ, इसीलिए खेलने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं शाम को भी मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मेरा मन शांत और एकाग्रत हो जाता है। इससे मेरे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, जैसे कि होमवर्क, वो एकदम अच्छे से हो जाता है। जब मैं रात को सोने जाती हूँ, तो बाबा को गुड नाइट बोल देती हूँ और कहती हूँ, बाबा मैं आपकी गोदी में सो रही हूँ, जिससे मुझे रात भर बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो देखा आपने, मेडिटेशन करने से, भोग लगाने से और बाबा को याद करने से अपना पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। तो आपको पता है मैं ये सब कहाँ से सीखी हूँ? ब्रह्मा कुमारी सेंटर से। अगर आपको भी अपना पूरा दिन अच्छे से बिताना है, तो आप भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर मेडिटेशन सीखें। अच्छा, ओम शांति।